दोस्तों, गौतम बुद्धा के बारे में आपने क्लास 5 ऑनवर्ड्स स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा। मैंने भी उन्हें पहले तो स्टोरी के रूप में पढ़ा, और जैसे मैं बड़ा हुआ तो बड़े क्लासेस में उनके बारे में, उनका बायोग्राफी, उनका टीचिंग, उनका लाइफ हिस्ट्री पढ़ने लगा। तो कुछ चीज़ें हमेशा याद रह जाता है। तो मैं जैसे कि सफरिंग के ऊपर आपको बात कर रहा था, और अब मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा। गौतम बुद्धा का जो फोर नोबेल ट्रूथ है, फोर नोबेल ट्रूथ्स ऑफ गौतम बुद्धा रिगार्डिंग ह्यूमन सफरिंग। पहला तो ये, दुख यानी कि सफरिंग इज रियल, सफरिंग एग्जिस्ट। वेयर देयर इज लाइफ देयर इज सफरिंग, दुख। दूसरा नोबेल ट्रूथ है समुदया, समुदया कॉज और ओरिजिन ऑफ सफरिंग। हर सफरिंग का, हर दुख का कोई ना कोई कॉज या ओरिजिनल प्लेस होता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है। और थर्ड है निरोधा, निरोधा मतलब एंडिंग, सफरिंग का एंडिंग हो सकता है। माघा, माघा होता है पथ, और यहीं पर गौतम बुद्धा ने एट फोल्ड पाथ हमको दिया। तो ये जो फोर रियलिटीज है आदमी के जीवन के बारे में, फोर नोबल ट्रूथ्स गौतम बुद्ध ने हमें बताया कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख खत्म हो सकता है, और दुख को खत्म करने के लिए आपको एट फोल्ड पाथ को अपनाना होगा। तो पहला है एट फोल्ड पाथ में राइट व्यू और अंडरस्टैंडिंग, जीवन के प्रति अपना आपका सही नजरिया। और इसमें बहुत सारे बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, पॉजिटिव लिविंग, राइट व्यू राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स अराउंड यू, राइट व्यू राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर लाइफ। सेकेंड एट फोल्ड पाथ है थॉट या रिजॉल्व, आपका थॉट कैसा है, हाउ इज योर थॉट प्रोसेस। बिकॉज गौतम बुद्ध ने कहा था कि आदमी जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। थर्ड जो एट फोल्ड पाथ है वो है स्पीच, राइट स्पीच। तो पहला है राइट व्यू, सेकेंड है राइट थॉट, थर्ड है राइट स्पीच। आपको जुबान से भी, आपको अपने मुंह से भी अच्छा होना होगा। बिकॉज अगर आपका थॉट अच्छा है, आपका लाइफ के प्रति आपका राइट व्यू या राइट अंडरस्टैंडिंग है, तो आपका राइट थॉट होगा और आपका स्पीच भी राइट होगा। फोर्थ है राइट एक्शन, राइट कंडक्ट, एक्शन और कंडक्ट, आपका जो कर्म है वो भी राइट होना चाहिए। फिफ्थ है राइट लिवलीहुड, लिवलीहुड भी आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका कमाई का जरिया। जैसे गांधी जी ने हिंद स्वराज में कहा था, जो आदमी बिना पसीना बहाए बिना मेहनत का खाता है वो हराम का खाता है, वो दूसरों की मेहनत का खाता है। आदमी को जीवन में कष्ट मेहनत करके अपने काम खुद निपटाना चाहिए, खुद करके खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑल द टाइम आप दूसरों को ऑर्डर करके दूसरों के मेहनत पे आप खाओ। तो राइट लिवलीहुड होना चाहिए, करप्शन करके या पाप करके या चोरी डाका डाल के लूट के आप खाना, तो ये भी दुख का कारण हो सकता है। तो इसलिए राइट लिवलीहुड होना चाहिए। सिक्स्थ है राइट एफोर्ट। तो इसमें मैं गांधी जी का बात कर सकता हूँ, जैसे कि अगर आपका एंड अच्छा है तो आपका मीन्स भी अच्छा होना होगा। अगर आपका लक्ष्य अच्छा है तो उसको प्राप्त करने का रास्ता भी सही होना पड़ेगा। लक्ष्य प्राप्त करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप गलत रास्ता से अगर लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो वो गलत होगा। नंबर सेवन है माइंडफुलनेस। यहीं पे जो न्यू एज गुरुज होता है वो लोग माइंडफुलनेस के ऊपर बहुत सारे बातें करता है, बहुत सारे वीडियोस बनाता है, इसके ऊपर PhD करते हैं लोग, और स्पिरिचुअल गुरुज भी बन जाता है। सो आई एम नॉट ए स्पिरिचुअल गुरु, आई एम जस्ट ए लेमैन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लाइफ एज इट इज। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लाइफ विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेट गुरुज लाइक गौतम बुद्ध, महावीर, जीसस एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मैंने माइंडफुलनेस इज ए पॉजिटिव माइंडफुलनेस, अच्छे विचारों से भरा हुआ मन। और माइंडफुलनेस अच्छा होने के लिए जो नंबर एट बात है वो है कंसेंट्रेशन, या आप कह सकते हो समाधि। समटाइम्स वी शुड मेडिटेट, समटाइम्स वी शुड स्पेंड टाइम विद आवर सेल्व्स, समटाइम्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर ओन फीलिंग्स, आवर ओन इमोशंस।